आज उल्लासनगर 5 अष्टमी के दिन माता राजा रानी के मंदिर में वहां पर अष्टमी का आज त्यौहार बड़े ही आस्था पूर्वक मनाया गया। जिस प्रकार से माता राजा रानी के मंदिर में पहले माता को प्रसन्न करने के लिए वहां पर हवन का आयोजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आज भी वहां पर हवन का आयोजन किया गया। तमाम माता के भक्त और माता राजानी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालु तमाम लोग उस मंदिर के यहाँ पर जो वहाँ पर हवन किया जाता है उस हवन में वहाँ पर बैठ के पूजा करते हैं और हवन समाप्त होने के बाद उसके बाद वहाँ पर माता को प्रसाद का भोग लगाया जाता है। उसके बाद सभी लोग जो नवरात्र का व्रत रखते हैं माता रानी से आज्ञा लेकर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए देखते हैं माता राजा रानी के मंदिर में कितने श्रद्धालु वहां पर आते हैं और किन किन लोगों ने वहां पर माता पर क्या क्या मन्नतें मांगी थी। थाने सरकार न्यूज, महेश बुलचंदानी, उल्लासनगर। माँ राजानी मंदिर के पावन पर्व ये अष्टमी के पर्व पर अब नवरात्रि जो 9 दिन यहाँ महाराजायन का रोज आरती के टाइम उसके बाद आम भंडारा होता था, जो सारी संगत उल्लासनगर के जितने भी हमारे भाई माताएं बहनें जो भी उपवास रखती थी वो रोज़ यहाँ पर नित्य नेम से आके माँ की उपासना करके अपना व्रत यहाँ छोड़ते थे। आज अष्टमी के पावन पर्व पर माँ राजायन मंदिर में इतना भव्य विशाल यज्ञ हुआ, उसके बाद कन्या पूजन हो गया। आज पूरी रात तलक माँ का ये विशाल भंडारा ऐसे ही पूरा दिन चलता रहेगा, ऐसे ही माँ का दरार माँ के भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। मैं सभी उल्लासनगर वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नवरात्रा के आज अष्टमी का पर्व है, आके माँ के दर्शन करिए, माँ की उपासना कीजिए, माँ राजायन माता के आगे दीप जलाइए, आपकी हर मनोकामना माँ राजायन पूरी करेगी। इतना भव्य मंदिर, ये सब माँ का प्यार है और मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है, उस भक्तों के कारण आज ये मंदिर इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर चुका है। लाखों की संगत यहाँ आके माँ राजायन के दर पे नतमस्तक होती है और माँ भी बड़े प्यार से उनकी सभी झोलियाँ मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। बोले माता माई राजायन की जय। माता राजाइन जो है उसमें असंख्य भक्त यहाँ पर आते हैं, वर्ष में दो बार आते हैं। देखा गया है कि जब हम अपने छोटेपन में थे एक बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आज इस मंदिर ने भव्य रूप धारण कर लिया है क्योंकि माता ने सभी के मनों की कामनाएं पूरी की है। और बाबा के पास जब भी हम आते हैं तो बड़े प्यार से हमें बड़े प्यार से सेवा करने का मौका देते हैं और इसी माता की वजह से हमारी भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केवल पानी पर यह उपवास रखते हैं, और बताइए देश का एक सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जो केवल
आठ या नौ दिन केवल पानी पर चलता है और ऐसा विश्वास इस माँ का पूरे देश के लोगों में है। और यहाँ पर इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए जिस तरह से हमारे बाबा जी ने काम किया है, हम उसके ऋणी हैं। और हमको आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए बाबा का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूँगा और माता उनको इतनी लंबी आयु दे कि ऐसे धर्म के काम वह सदैव करते रहें। सभी लोग प्यार से बोलिए जय माता राजायन की जय। आज अष्टमी के इस पावन अवसर पर माता राजायन मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। मैं माता राजायन के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें और हमारे उल्लासनगर शहर पर इतनी मेहर करें कि ये हमेशा फूल की तरह महकता रहे। बोल माता राजायन की जय। जय माता दी। आए हुए सभी माता के भक्तों को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी के आगे प्रार्थना करता हूं कि माता रानी सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, सभी की जो मन की मुराद है वो पूरी करे। जय माता दी।